सो हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हम जियाओ को देखते हैं जो लिन को एक जगह पर लाया था उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर। और जब वो उस कपड़े को हटाता है तो हम देख पाते हैं कि लिन को अब भी धुंधला ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब भी वो जियाओ को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वहाँ जियाओ उसकी मॉम और डैड की पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि मेरी मॉम के बहुत सारे सपने थे जिसे मेरे डैड पूरा करना चाहते थे। जियाओ लिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे भी उसके घर की याद आती होगी। जियाओ कहता है कि मैं तुम्हें वापस भेजना नहीं चाहता। वो लिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना पसंद करोगी। फिर वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कठोर दिल हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तभी लिन उसके गाल पर किस करती है, लेकिन जब जियाओ उसे किस करने जाता है तो लिन उसे रोक देती है। वहीं ऑफिस में जियांग डिंगडिंग को देखती है जो कुछ तो अपने कंप्यूटर पर देखे जा रहा था। वो लोग चुपके से उसके पीछे जाते हैं और जियांग देखती है कि वो जियाओ और लिन के वॉलपेपर को देखे जा रहा था। जियांग डिंगडिंग से पूछती है कि तुम्हें ये सब कब पता चला। डिंगडिंग तो अब भी कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर डिंगडिंग जियांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में किसी को भी न बताए। वहीं हम शिन को देखते हैं जो यैन की तरह समुन्द्र किनारे खड़ा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। तभी उसे यैन का मैसेज आता है कि कभी कभी जूते पहनना भी अच्छा लगता है। ये दोनों चैटिंग में ही बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक बच्चे का मिट्टी से बनाया घर टूट जाता है तो शिन उसकी मदद करता है। इसके बाद हम सू और जाओ को एक साथ देखते हैं जहाँ जाओ सू से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जिंदा थी तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र करती थी। सू कहता है कि फिक्र करती थी क्या, इसीलिए उन्होंने मुझे होंगयू ग्रुप में छोड़ दिया। जाओ कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। जाओ कहते हैं हर कोई अपनी राय रखता है और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सू की मॉम उसे कह रही थी कि बेटा एक बार मुझे मॉम कहकर बुलाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उसको मुआवजा देगी। बाहर जाते वक्त सू एक फाइल देखता है जिस पर जोंगलून लॉ फर्म लिखा था, इसलिए सू तुरंत से वहाँ चला जाता है जहाँ उसे एक एडवोकेट मिलता है। तो सू उसे कहता है कि उसे जिया रुई से मिलना है, साथ ही सू अपनी मॉम का नाम भी बताता है। तभी वो एडवोकेट उसे बताता है कि वो जिस एडवोकेट की बात कर रहा है उनकी डेथ हो चुकी है और वो उसके सीनियर थे। फिर वो चला जाता है। सू वहीं पर इस टाइम के लिन को देखता है तो वो उससे बात करता है और कैसे तो वो उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और एक डॉक्यूमेंट वहां से चुरा लेता है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसे 5% शेयर मिलने चाहिए थे। सू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम जियाओ और लिन को देखते हैं जो साथ ऑफिस में आ रहे थे। तभी सामने से जियांग और उसका साथी वहीं से निकलते हैं, जिसे देखकर जियाओ और लिन दूर हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि किसी को भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें कौन बताए कि वहाँ तो सबको सब पता है उन दोनों के बारे में। वहीं लिन को पता चलता है कि जियाओ का बर्थडे आने वाला है और अभी सिर्फ एक दिन ही बचा था। फिर लिन उसका बर्थडे मनाने का सोचती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या अलग करे जो जियाओ को अच्छा लगे। इसलिए लिन इस टाइम के लिन को कॉल करती है तो वो 2020 के लिन को बताती है कि जियाओ के पास पैसा तो पहले से ही है, इसलिए तुम उसे ऐसी कोई चीज दो जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। 2020 वाली लिन कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। लिन सभी इम्प्लॉयज के पास जाती है और जियाओ आज ये कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था, इसलिए लिन सभी को उनके काम बताती है। लिन जियांग को डेकोरेशन का काम देती है, डिंगडिंग को मीडिया का काम और यिन जुन को सुरक्षा का काम मिलता है। तभी डिंगडिंग लिन से पूछता है कि वो क्या करेगी, तो वो कहती है उसे और भी काम है। इसके बाद सभी इम्प्लॉयज बाहर लिन की सजाई टेबल को देखते हैं, लेकिन उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। जियांग कहती है ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सभी मिलकर उसे अच्छे से डेकोरेट करते हैं। घर आते ही जियाओ लिन को पूरी जिंदगी उसके असिस्टेंट बने रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। लिन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले मेरी भी बातें सुननी चाहिए थी और इसमें लिखनी चाहिए थी। फिर लिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर अपने रूम में आ जाती है। जैसे ही वो पेपर्स देखती है उसे धुंधला दिखने लगता है। लिन हॉस्पिटल भी चेकअप के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम दिख तो जवान रही हो लेकिन तुम बूढ़ी हो रही हो और वो भी बहुत तेजी से। लिन उस बात को सोचती है कि अगर उसने जियाओ को 3 महीने में प्रेसिडेंट बनने में मदद नहीं की तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। होटल आकर लिन जियाओ की बातों को याद करती है कि जियाओ ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी लिन को जियांग का कॉल आता है और वो कहती है कि सारी तैयारियां हो गई है इसलिए आप जल्दी से आ जाओ। जब लिन वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जियाओ की आंखों पर कपड़ा था। वो उसे हटाती है और जियाओ उसे कहता है कि उसने सबके लिए डिनर का प्लान किया था। तभी उस जगह की लाइट्स जलती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहाँ एक केक भी था। लिन जियाओ से कहती है कि ये सब तुम्हारे बर्थडे के लिए ही है और ये सब सभी इम्प्लॉयज ने मिलकर प्लान किया है। जियाओ खुश था कि उसका बर्थडे लिन ऐसा बना रही है। फिर लिन उसे गिफ्ट देती है और ये वही कॉन्ट्रैक्ट था पूरी जिंदगी असिस्टेंट बनने का। लिन हाथ आगे बढ़ाती है, जियाओ उसे पास लाकर किस कर लेता है। अब कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ जाता है जहाँ जियांग जियाओ को एक टाई देती है, लेकिन लिन कहती है कि वो सही नहीं लग रही इसलिए वो उसे एक टाई देती है। जियाओ सभी से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा।
इसके बाद शिन जियाओ को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर सू आ जाता है। जियाओ उसे जाने को कहता है, लेकिन वो जाने के बजाय सभी को एक पेपर दिखाता है जो कि उसकी मॉम ने लिखा था और वो उसका भाई था, तो उसे 5% शेयर मिल जाए। इसका मतलब था कि उन दोनों का वहाँ बराबर ही हक था। इसी वजह से वो कॉन्फ्रेंस खत्म करनी पड़ती है। इसके बाद जियाओ के ऑफिस में यानी होंगयो ग्रुप में मीटिंग होनी थी, जहाँ सू आकर सीधा चेयरमैन की सीट पर बैठ जाता है। जियाओ के बोलने से भी वो वहाँ से नहीं हटता। अब तो सू जियाओ के इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट को बेकार बताता है और अपना बियॉन्ड होम प्रोजेक्ट को अच्छा बताता है और मीटिंग खत्म हो जाती है। वहीं जियाओ के एम्प्लॉय सू से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तभी वहाँ जियाओ आता है और कहता है कि वो कुछ भी कर ले उसे हरा नहीं पाएंगे। तभी लिन कहीं खो जाती है। जियाओ समझ जाता है कि जरूर लिन को कुछ न कुछ तो हुआ है। जियाओ उससे पूछता भी है, लेकिन लिन सही से नहीं बताती और कहती है कि मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। लेकिन वो मन में कह रही होती है कि जियाओ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि 3 महीने खत्म होने वाले हैं। इसके बाद जियाओ उसी एडवोकेट के पास आता है जिसके पास सू आया था। दरअसल ये एडवोकेट अच्छा था। ये जियाओ को बताता है कि बियॉन्ड होम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ जियाओ शुरू से ही सू से मिले हुए थे। वो भी एक धोखेबाज थे, लेकिन इसका किसी को भी नहीं पता था। वहीं लिन जियाओ के लिए कुछ बनाती है और उसे खिलाती है। जियाओ उससे कहने वाला था कि नमक ज्यादा है, लेकिन वो सोया सॉस लेने जाती है और नमक और डाल देती है। जियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जियाओ समझ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। वो मॉर्निंग लिन को पानी में बहुत ज्यादा शहद मिलाकर देता है। लिन इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो अपनी स्लीपर्स भी नहीं देख पा रही थी। जियाओ को पता चल गया था कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है। वहीं हम इस टाइम की लिन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट को देखती है और देखती है कि सू जियाओ का भाई है। वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर लिन को याद आता है कि उसने सबको डॉक्यूमेंट वाले रूम में 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ा था, तभी उसने वो डॉक्यूमेंट चोरी किया होगा। तभी उसके पास सू आकर वो डॉक्यूमेंट लेता है और उसे कहता है कि शुक्रिया लिन। इसके बाद फिर से हम जियाओ को सू के साथ देखते हैं और उससे वो कह रहे थे कि उन्हें यकीन था कि एक दिन वो बहुत बड़ा काम करेगा। सू उनसे पूछता है कि वो प्रॉपर्टी के बारे में कितना जानते हैं। वहीं ऑफिस में जियाओ आता है और एम्प्लॉय से पूछता है कि लिन कहाँ है। वहीं हम लिन को सू के साथ देखते हैं, जहाँ लिन तो उससे कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ के आने से वो उसे छोड़ देता है। दरअसल सू लिन को अपनी टीम में लेना चाहता था। सू जियाओ से कहता है कि उसका प्रोजेक्ट इन्फिनिट होम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और फिर भी तुम बाकी लोगों को परेशान कर रहे हो ये सब काम करवा कर। सू ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा वहाँ से चला जाता है। जियाओ जब वापस आता है तो उसे बताया जाता है कि बिना बोर्ड की परमिशन के उन्होंने अलग अलग जगह कॉन्टेक्ट किया, इसलिए उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। ये सुनकर तो जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सू के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल आराम से कहता है कि उसे वो लिन दे दे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जियाओ ऐसा करना नहीं चाहता था। सू कहता है फिर वो कोर्ट में मिलेंगे। अब सभी एम्प्लॉयज अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। सभी एम्प्लॉयज जियाओ से कहते हैं कि वो परेशान न हो। इसके बाद लिन खुद एक रेस्टोरेंट में सू से मिलने जाती है, जहाँ सू उसे बताता है कि वो अकेला नहीं है जो चाहता है कि जियाओ प्रेसिडेंट न बने। दरअसल वो इनडायरेक्टली कह रहा था कि इसमें जियाओ काओ और भी बहुत लोग शामिल हैं जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं। और तभी अचानक लिन वहाँ बेहोश हो जाती है, इसलिए सू उसे हॉस्पिटल ले आता है। लेकिन जियाओ तो वहाँ आकर उस पर गुस्सा करता है कि उसने क्या किया लिन के साथ। जियाओ कहता है अगर लिन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर आकर जियाओ को बताते हैं कि लिन पहले भी चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टर जियाओ को बताते हैं कि इसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ये कुछ भी टेस्ट भी नहीं कर पा रही, इसीलिए यहाँ आई थी। अब अगली मॉर्निंग जब लिन उठती है तो जियाओ उससे छुट्टी लेकर आराम करने को कहता है। फिर वो जियाओ के साथ खाना बनाने में भी मदद करती है। इसके बाद जियाओ कुछ फैसला करता है और सू के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बस मुझे 1 वीक के लिए प्रेसिडेंट बनने दो, जिसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जियाओ उसे अपना घर भी दे देता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सू सबसे पहले जाकर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखता है। तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका खुद का प्रोजेक्ट बियॉन्ड होम खतरे में है। ऑफिस जाने पर उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि अगर तुम कुछ भी काम अच्छे से नहीं करोगे तो तुम होंगयो ग्रुप में जा सकते हो, वहाँ भी तो तुम्हारे 5% शेयर्स हैं। सू को गुस्सा आता है और वो जियाओ के पास आता है, जहाँ सू अपनी सारी बातों से मुकर जाता है। जियाओ उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। जियाओ सू से कहता है कि तुम्हें पता है कि इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट मेरी मॉम और लिन के लिए कितने मायने रखता है। सू चला जाता है। फिर हम जियाओ को लिन के साथ देखते हैं, जो उससे कह रहा था कि अभी तुम घर पर आराम करो। वही हम जियाओ को देखते हैं
जो चेयरमैन की सीट पर बैठकर सोच रहा था कि आखिर वहाँ बैठकर कैसा लगता होगा। तभी उन्हें मैसेज आता है कि काम हो गया है। रात को लिन फ्रूट्स काट रही थी, तभी वो देखती है कि किसी भी चीज की उसे स्मेल नहीं आ रही है। वो स्मेल नहीं कर पा रही थी। वहीं रात को जाओ उसी एडवोकेट को बुलाते हैं जिसके पास जियाओ आया था, क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए ही काम किया करता था। यहाँ उसे भी पता चल जाता है कि जाओ कैसा आदमी है। वो एडवोकेट जाओ से कहता है कि मैं अब तक तो तुम्हें अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम भी होंग यो ग्रुप को नीचे गिराने में लगे हो। वहीं घर पर लिन खाना बनाती है और जियाओ को खिलाती है, लेकिन वो नहीं दिखाता कि खाना खराब बना है। वो चुपचाप से खा लेता है और कहता है कि खाना अब से वही बनाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि लिन के सुनने की क्षमता भी कम हो रही थी। नेक्स्ट डे जब लिन एक शॉप के बाहर खड़ी थी, तभी वहाँ से चारों एम्प्लॉयज निकलते हैं और वो बात कर रहे थे कि इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। लिन पूछती है कि वो क्या कह रहे थे। तभी डिंग डिंग उसे बताता है कि जाओ ने उसे बताने के लिए मना किया था, लेकिन तभी शिन कहता है कि भले ही सू कुछ भी कर ले, लेकिन जीत तो जाओ की ही होगी। तभी जाओ बाहर आता है और लिन उसे उसके साथ किसी जगह पर चलने को कहती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा। बाय बाय।